इंडियन टू इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है, जिस मूवी का शूटिंग 2019 में जनवरी में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक एक करके काफी ट्रबल आने लगा। सबसे पहले तो एक ट्रेन गिर गया काजल अग्रवाल के सामने, इस वजह से वो इंजर्ड भी हुई और एक इंसान का मौत हो गया, इस वजह से शूटिंग डिले हो गया। फिर कोरोना आ गया, इस वजह से शूटिंग थोड़ा और भी रुक गई। अब 2022 से फिर से इसका शूटिंग स्टार्ट हुई और इसके साथ साथ शंकर गेम चेंजर की भी शूटिंग स्टार्ट किया और इस वजह से इस मूवी का काफी डिले हो गया। और इस मूवी का जो रिलीज डेट रखा गया था वो जून के महीने था। जो सिनेमा लवर से और जो हॉल ओनर है उन लोगों का जो लास्ट टू मंथ्स जो ड्राई मंथ चल रहा है अप्रैल और मई, क्योंकि इस महीने इन दो महीने में कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई और ऊपर से गर्मी है इतना और इलेक्शन भी चल रहा है, तो लोगों ने ये उम्मीद किया था उन लोगों का जितना लॉस हो रहा है ये जून के महीने में कम से कम रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडियन टू जून के 13 में रिलीज नहीं हो रही है। अब ये मूवी शायद जुलाई में रिलीज होगी क्योंकि इसके काफी सारा वीएफएक्स के काम बाकी है और ऊपर से उन लोगों ने ये भी सोचा है। देखिए जून की 13 में ये मूवी का रिलीज डेट रखा गया था, तो और काल की 2898 AD आपका 27 जून को रिलीज हो रही है, तो बीच में से 14 डेज है, तो 14 डेज में सारे पैसा रिकवर करना इतना आसान नहीं है। उससे बेहतर है अगर ये जुलाई के 15 में रिलीज करे तो एक महीना मिलेगा पुष्पा 2 के रिलीज होने तक, तो रिकवर होने का चांस बहुत ज्यादा है पैसा रिकवर होने का। तो इसलिए ये मूवी अब जुलाई में रिलीज होगी। इस मूवी में कमल हसन के साथ साथ एक काजल अग्रवाल, रकुलप्रीत सिंह, एसजे सूर्या और प्रिया भवानी शंकर, तो ये एक्चुअली 1996 में शंकर का डायरेक्शन में कमल हसन जिसने एक्टिंग किया था इंडियन, उसका ही सीक्वल है। उस मूवी में दिखाया गया था कि सेनापति जो एक फ्रीडम फाइटर है वो करप्शन के अगेंस्ट लड़ता है और करप्शन जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को वो सजा दे रहा है। तो आखिर में दिखाया गया था कि सेनापति हांगकांग चला जा रहा है, उन्होंने कहा अगर करप्शन फिर से हुआ तो फिर से लौट के आएंगे, तो इस मूवी में वो फिर से लौट के आ रहा है, ये इस मूवी का एक्चुअल थीम है। तो वहां से स्टार्ट होगा इस मूवी की, सेनापति करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए फिर से हांगकांग से लौट के आया। इस मूवी में म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध रविचंदन, जो पिछले इंडियन था, मतलब इंडियन जो फर्स्ट पार्ट था उसमें म्यूजिक दिया था आपका AR रहमान, तो इसमें थोड़ा म्यूजिक चेंज हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो डेट को चेंज किया गया है जुलाई में, मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उन लोगों को 15 डेज का मौका मिलेगा और इसमें रिकवर करने का चांस भी ज़्यादा है। और ऊपर से जो मूवी लवर्स है, मतलब जो लोग थिएटर में जाते हैं, वो लोग जून में एक मूवी देखेंगे, जुलाई में एक मूवी देखेंगे, अगस्त में एक मूवी देखेंगे, ये बेहतर है। जून में काल की 2898 AD, जुलाई में इंडियन 2 और अगस्त में आपका पुष्पा 2 बेहतर है। अगर दोनों मूवी एक ही जून में रिलीज होती तो थोड़ा पैसों का कमी हो जाता, तो इसके इफेक्ट तो जरूर होता है, तो इसलिए बेहतर है कि ये मूवी जुलाई में रिलीज करे। तो अल्टीमेटली यही न्यूज है कि ये मूवी यानी इंडियन 2 अब जुलाई में रिलीज होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।